ओके, प्लांट ग्रोइंग स्ट्रक्चर्स। जैसे हमने पहले बात की कि एनवायरमेंटल फैक्टर से बचाने के लिए पौधों को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट प्लांट ग्रोइंग स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन हाउस तो आप सब बच्चों ने सुना होगा। ग्रीन हाउस इज अ जनरल नेम फॉर मैनी स्ट्रक्चर्स यूज फॉर कंट्रोलिंग द एनवायरमेंट। अब ग्रीन हाउस एक जनरल टर्म है और ये मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल होती है। हम वन बाय वन उन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कोल्ड फ्रेम्स। अ कोल्ड फ्रेम इज एन इनएक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल। जो एक मिनट बच्चों, जरा रुक जाना। तो कोल्ड फ्रेम्स जो है, इट्स एन इनएक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल। ये आमतौर पे कहता है इतना इस पर खर्चा नहीं होता और इससे हम टेम्परेचर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये होता क्या है आमतौर पे, इट इज एन इनक्लोज्ड सॉयल बेड। एक नीचे सॉयल बेड होता है, ये मैंने रेड कलर में यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बनाई है, आपको नजर आ रही होगी। एक रेज बेड होता है नीचे, जिसके ऊपर आपने अपने पौधे लगाए होते हैं। एंड इट इज यूजुअली कवर्ड बाय अ रिमूवेबल ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक फ्रेम और सैश। वो कहता है इसके ऊपर एक प्लास्टिक का या शीशे का एक छोटा सा कवर होता है, जिसको आप उतार भी सकते हैं। ये मैंने उसकी एक शक्ल बनाई है कि कुछ इस तरह का वो दिखता है, यानी उसके साइडों पे हैंडल लगे होंगे, आप वहां से इसको उठा सकते हैं, वैसे इसको उठा सकते हैं, हल्का फुल्का होता है। तो ये आमतौर पर बिल्कुल ऐसी है जैसे बेड के ऊपर कोई आपने कवर डाला हुआ हो, और इस जो ये कवर है इसके ऊपर आमतौर पर ग्लास या प्लास्टिक लगा होता है, इसमें से लाइट गुजर सकती है। एक छोटी सी टनल है ये, यूं कह लें। टेम्परेचर इन साइड द कोल्ड फ्रेम इंक्रीजेस कंसिडरेबली ड्यूरिंग द डे एंड हीट इज स्टोर्ड इन द सॉयल। कहता है दिन के वक्त जो होता है इसमें रोशनी गुजरती है, तो अंदर एक टेम्परेचर बनता है, टेम्परेचर बिल्ट अप होता है, और रात के वक्त जो वही हीट है वो उसको, सॉयल को गर्म रखती है, जमीन को गर्म रखती है। वो आप पता ही है आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का। प्लांट्स कैन बी प्रोटेक्टेड एट नाइट ड्यू टू द एक्सेस हीट ट्रैप्ड इन द चैम्बर। तो वो इसके अंदर जो हीट होगी उसकी वजह से पौधे प्रोटेक्टेड रहेंगे। और इसका नाम कोल्ड फ्रेम भी इसीलिए ही है कि इसमें आप खुद से कुछ नहीं कर रहे, ये खुद ब खुद ही अपने आप को गर्म करेगा। आप उसको एक्सटर्नल हीट खुद से नहीं दे रहे, कोई भी एनर्जी नहीं दे रहे। प्लांट्स कैन बी प्रोटेक्टेड एट नाइट, ये हो गया। इन वार्म वेदर द सैश इज रेज्ड और रिमूव्ड। कहता जब मौसम गर्म आता है ना, जब गर्मियों का मौसम आता है, तो उस वक्त ये ऊपर वाली जो कवरिंग है इसको उतार देते हैं, इसके ऊपर से ये कवर उतार देते हैं। कोल्ड फ्रेम्स आर कॉमनली यूज फॉर स्टार्टिंग प्लांट्स फ्रॉम सीड और हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग्स टू बी ट्रांसप्लांटेड। ये आमतौर पर कहता है अगर आपने नर्सरी पनीरी लगानी हो तो उसके लिए ये बड़े कॉमन है, बड़े अहम है, ये अक्सर लगाए जाते हैं। ये ऊपर जो एग्जाम्पल में, ये ऊपर वाले सफर पे एक डायग्राम बनी है, ये मैंने कोल्ड फ्रेम की डायग्राम आपको बनाकर दिखाई है। नीचे आ जाए हॉट बेड्स के ऊपर। हॉट बेड्स जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें आप एक्सटर्नली खुद ब खुद हीटिंग कोई दे रहे होंगे, उस बेड को गर्म कर रहे होंगे, इसलिए इसका नाम हॉट बेड रख दिया। हॉट बेड्स क्या है, दीज आर इसेंशियली कोल्ड फ्रेम्स। कहता दिखने में ये कोल्ड फ्रेम जैसे ही होते हैं, प्रोवाइडेड विद अ सप्लीमेंटल सोर्स ऑफ हीट। लेकिन इसके साथ हम इस बेड के अंदर कुछ एक्सटर्नल हीट सोर्स भी देते हैं, इसको बाहर से दर्जा हरारत देंगे, इसको कोई एनर्जी देंगे ताकि ये गर्म रहे। उसमें क्या होता है आमतौर पे, लाइक हॉट वाटर, उसमें गर्म पानी गुजार सकते हैं बेड के अंदर से, स्टीम भाप गुजार सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर के जरिए कॉइल्स की मदद से उसको गर्म कर सकते हैं बेड को। अ चीप सोर्स ऑफ हीट लाइक फर्मेंटेशन ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कैन ऑल्सो बी यूज। और यहाँ पर उसने एक और बात भी बताई है कि सिर्फ गोबर की खाद जो है वो इसमें डाल दीजिए तो उससे भी वो, क्योंकि जब फर्मेंट होगी तो हीट पैदा होगी, तो वो भी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से भी इसको गर्म रखा जा सकता है। अच्छा, हॉट बेड की मैंने ये एक डायग्राम बनाई है आपके सामने। इसमें ऐसे ये बेड होता है, इसके ऊपर ऐसे ही वो प्रोटेक्टेड कवर डला हुआ है। ओनली डिफरेंस इज कि आपको ये रेड कलर के इसमें पाइप नजर आ रहे हैं, ये एक तरफ से इसमें दाखिल होते हैं, दूसरी तरफ से ये बाहर निकल जाते हैं। इसके अंदर आमतौर पे हॉट वाटर जो है वो इसमें से सर्कुलेट करवाया जाता है, या स्टीम करवाई जाती है, या ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम के तहत इनको गर्म किया जाता है। तो ये बेड जो होता है इसको ऐसे एक्सटर्नल हीट दी जाती है और ये इसकी वजह से गर्म होता है। इवन के उसने यहाँ पे ये भी बताया है कि अगर आप इसके अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर यानी ये गोबर की खाद जो है वो ही इसके अंदर ज्यादा डाल दें, उससे भी ये बेड ज्यादा गर्म रहेगा, क्योंकि वो जब गले गले सड़ेगी तो उससे गर्मी पैदा होगी। लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं डाली जाती है, अगर ज्यादा डालेंगे तो फिर पौधे मरने का खतरा भी होगा। ज्यादा सेफ सिस्टम जो है वो ये वाला है, ठीक है, जो ऊपर मैंने हाईलाइट कर दी। उसके बाद है तीसरे नंबर पे ग्लास हाउस। ग्लास हाउस आर परमानेंट स्ट्रक्चर्स। ऊपर वाले दोनों अभी जो हम पढ़ के आए हैं ये मूवेबल थे, मोबाइल थे, आप इनको उठा सकते हैं किसी भी वक्त। दीज आर परमानेंट स्ट्रक्चर्स, ये परमानेंट है।
often on concrete, कहता है ये आमतौर पे कॉन्क्रीट के ऊपर बनाए जाते हैं, foundations, उनकी बुनियाद जो नीचे से कॉन्क्रीट की होती है, in which temperature and other environmental factors can be regulated, और इनके अंदर कहता है आप temperature और दूसरे environmental factor को regulate कर सकते हैं आसानी से. Temperature may be regulated by a combination of heating, cooling and ventilation. इसमें जो temperature की control होता है वो दो तीन चीज़ों से होता है. Number one, आप उसको गर्म करते हैं, इसमें ठंडक का भी इंतजाम के लिए आपके पास होती हैं चीज़ें, इसमें mist लगे होते हैं, shower लगा होता है जो कि ठंडे पानी का या normal water का shower करता है, ventilation system होते हैं, fan वगैरह लगे होते हैं. In summer, गर्मियों के मौसम में, क्योंकि ये glass house permanent structure है तो गर्मियों में फिर ये कैसे survive करता है. In summer, shading the glass or whitewashing can improve the efficiency of cooling system. जो बाहर ये शीशे की जो दीवारें हैं ये ऊपर ये आपको ये व्हाइट हाउस की सॉरी ग्लास हाउस की शक्ल नजर आ रही है, इसमें ये ऊपर जो ये नीचे व्हाइट कलर का है ये कॉन्क्रीट है, इसके ऊपर ये सारा ये आयरन बार्स के ऊपर शीशा लगा हुआ है, प्लास्टिक या शीशा दो चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं. अब गर्मियों के मौसम में इसके ऊपर या तो कोई कपड़ा डाल देते हैं या इसको कवर करते हैं, शेड करते हैं, या फिर चूना फेर देते हैं, वाइट वॉश कर देते हैं बाहर से, ताकि ये रोशनी जो है ये डायरेक्ट अंदर ना आए और अंदर इतनी ज्यादा हीट पैदा ना हो. ठीक है, उसके अलावा ये देखें फैंस लगे हुए हैं इसके अंदर, ये पाइपिंग सिस्टम नीचे जा रहा है, वो बाद में हम उसके बारे में बात करते हैं. वेंटिलेशन कैन बी यूज टू रेगुलेट ह्यूमिडिटी, ये जो आपको फैन नजर आ रहे हैं इसके अंदर गोल गोल से ये सुराख, ये हवा के लिए हैं, पंखे इसमें लगे होते हैं जो कि जब चलाए जाते हैं तो इसमें से हवा बहुत तेजी से गुजारी जाती है, इसकी जो इंटरनल एयर है उसको रिप्लेस करते रहते हैं आउटसाइड एयर के साथ, ताकि ह्यूमिडिटी ना बढ़े, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई अंदर तो फिर फंगस का अटैक बढ़ जाएगा, तो इसको वेंटिलेशन कंटिन्यूसली वेंटिलेटेड करते रहते हैं अगर फील हो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है. अच्छा, सप्लीमेंटल लाइट्स कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि ये एक मजबूत स्ट्रक्चर है और इसमें आप चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें आप लाइट बल्ब लगा सकते हैं, ट्यूबलाइट्स लगा सकते हैं, इसके अंदर आप इवन फैंस हैंग कर सकते हैं, इट्स अ परमानेंट स्ट्रक्चर, तो इसमें आमतौर पे लाइटिंग सिस्टम अंदर लगा होता है. अगर आप फील करते हैं कि यार अब जैसे सर्दियों में दिन छोटे हैं और आप कहते हैं नहीं यार ये जो मेरी फसल है गर्मियों की इसको लंबे दिन चाहिए, तो आप आर्टिफिशियल लाइटनिंग के जरिए वो उसका डे लेंथ का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं. तो ये उसमें एक इजाफी चीज है जो उसने बताई है. प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन इन कंटेनर्स, जमीन में पौधे लगाने से आमतौर पर प्रोवाइड किया जाता है, जगह बहुत कीमती होती है और ज्यादातर आमतौर पर कंटेनर्स में लगाए जाते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सॉइल मिक्सचर में, गिवन वेल कंट्रोल फर्टिलाइजर प्रोग्राम, फर्टिलाइजर भी उसको देख कर दिया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड इनरिचमेंट हैव बीन शोन टू इंप्रूव प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड इन ग्लास हाउसेस. अब ये एक बड़ी अहम बात है कि पौधों को अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगी ना, यानी उनके आमतौर पर ये किया भी जाता है पौधों की यील्ड बढ़ाने के लिए, इसमें सिलेंडर कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर जो है वो इसमें रिलीज किया जाता है, ताकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़े. और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनती है, स्टार्च बनती है, तो वो प्लांट की फूड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और उसकी वजह से पौधों की यील्ड और ग्रोथ बहुत बढ़ती है, ज्यादा होती है. तो यहाँ पे ग्लास हाउस में क्योंकि ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, ग्लास लगा हुआ है, लीक नहीं होता, तो इसमें आप इस तरह की गैस भी छोड़ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आमतौर पर छोड़ी जाती है. बिसाइड्स ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ ग्लास, बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ ग्लास कहता है ज्यादा महंगा होने की वजह से ग्लास का, अदर ग्लेजिंग मटीरियल्स, ग्लास का खतरा ये भी होता है कि कोई पत्थर किसी ने मार दिया या कहीं से पत्थर अगर उसको लगे ग्लास को टूट सकता है, तो दूसरे ग्लेजिंग मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक या फाइबर ग्लास हैव आल्सो बीन यूज्ड. ये दोनों जो है प्लास्टिक और फाइबर ग्लास ये ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ये ग्लास की निस्बत ज्यादा कह लें कि मार को सह लेते हैं, लेकिन ये फाइबर ग्लास ये प्लास्टिक जो होता है इसके ऊपर झरीटें जल्दी पड़ जाएंगी, ये ज्यादा गंदा हो जाएगा, ये ज्यादा ओपेक हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जबकि ग्लास जो है ये क्लीन रहता है, इसके ऊपर झरीटें नहीं पड़ती, वैसे साफ सुथरा है, इसकी मेंटेनेंस अच्छी है, लेकिन इसको फिर पत्थर से ओलों से बचाना पड़ता है, जैसे अगर फर्ज करें बारिश होती है साथ में ओले पड़ रहे हैं तो ग्लास टूटने का खतरा है, लेकिन फाइबर ग्लास जो है ये एक अच्छी किस्म है जिसमें ये ड्यूरेबल होती है, महंगी जरूर है लेकिन फायदार है. तो ये जनरल बातें होगी जी ग्लास हाउस के बारे में. चौथे नंबर पर आ गया प्लास्टिक टनल्स. प्लास्टिक टनल्स में क्या है, शीट्स ऑफ पॉलीइथिलीन आर लेड डाउन ओवर वुडन और मेटल हॉप्स. इसमें आप छोटे छोटे वो मेटल के कमानी नुमा
कह लें कि लगाते हैं स्ट्रक्चर, उसके ऊपर आप ये शीट बिछा देते हैं, आप सबको इसका पता ही है, आपने सबने टनल्स देखी हुई है ऑलमोस्ट. द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इन द टनल इनकरेजेस प्लांट ग्रोथ इवन विद लो आउटसाइड टेम्परेचर. ये आपको पता है कि टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, हम इसके बारे में पहली क्लास में पढ़ चुके हैं. टनल्स आर स्पेशली सुटेबल फॉर अर्ली प्रोडक्शन एंड ऑफ समर वेजिटेबल्स. कहता है वेजिटेबल में खासतौर पर ये वाला सिस्टम बहुत ज्यादा चल रहा है. द ऑपरेशन में बी कैरिड आउट इन सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर. अब ये देखें जो ये टनल फार्मिंग है ना, ये एक सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर है. मतलब ये कि इसमें जैसे ग्लास है उसमें तो आपने नीचे कॉन्क्रीट बिछा कर और ये पूरी एक फाउंडेशन आपने कॉन्क्रीट और ब्रिक्स की बनाई है, इसमें ऐसा नहीं है. इसमें आप उसको उठा सकते हैं. इवन इन केस ऑफ हाई टनल, आप हाई टनल में भी जो है वो परमानेंट नाम की होती है, जरूरत पड़े तो वो हाई टनल भी किसी जगह से मूव करवाई जा सकती है. तो ये प्लास्टिक टनल के बारे में कुछ बातें, ये उसकी एग्जांपल है. तस्वीर इतनी अच्छी नहीं है, ये अंदर से उसका व्यू है, ब्लैक एंड व्हाइट में इतना को क्लियर नजर नहीं आ रहा. हाउएवर बाय स्प्रेडिंग द प्लास्टिक शीट और टेम्परेरी सपोर्ट्स ओवर द फील्ड बेड्स लो टनल्स एज वार्म वेदर अप्रोचेस द प्लास्टिक मे बी रेज्ड और रिमूव ड्यूरिंग द डे एंड पुट बैक एट नाइट. ये भी एक अच्छी एक यहाँ पर बात लिखी है. टनल्स में आपके पास ये एक फैसिलिटी होती है क्योंकि ये मूवेबल होती है, तो अगर आप फील करते हैं कि गर्मी ज्यादा है, दिन के वक्त बहुत तपिश है, तो आप क्या करते हैं दिन के वक्त वो शॉपर ऊपर से उतार देते हैं ताकि हवा फिरती रहे, अंदर गर्मी ना बने, और रात के वक्त जब कोहरे का खतरा होता है या पौधे मर ना जाए सर्दी से रात के वक्त, तो आप उस वक्त वो लिफाफा वापस ऊपर डाल देते हैं. अच्छा, इसके इश्यूज क्या है आमतौर पर टनल के अंदर? एक्सटेंसिव यूज ऑफ टनल ऑल्सो हैज सम प्रॉब्लम. इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं. हाई ह्यूमिडिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. उसकी वजह से क्या होता है, फंगल पैथोजन अटैक करेगा, फंगस का अटैक सबसे ज्यादा टनल्स में आता है. प्रॉपर वेंटिलेशन उसके लिए करनी चाहिए ताकि ये फंगस ये जो है ह्यूमिडिटी कम से कम हो. लैक ऑफ पोलिनेटर्स, ये एक और दूसरा हिडन इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है कि वो क्रॉप जो क्रॉस पोलिनेटेड हैं जिनको इंसेक्ट्स की जरूरत है, खासतौर पर विंड पोलिनेटेड या इंसेक्ट पोलिनेटेड क्रॉप जो हैं, उनके लिए टनल में हवा वैसे नहीं चलती और इंसेक्ट्स भी उसके अंदर नहीं होते, तो उसके अंदर पोलिनेशन बड़ी सीरियसली मुतासर होती है. और उसमें आमतौर पे अगर आप इस तरह की क्रॉप की कोई वैरायटी लगाते हैं जिसको मक्खी, शहद की मक्खी चाहिए पोलिनेशन के लिए, तो फिर उसमें कोई भी फ्रूट सेट नहीं होगा. उसके लिए वैसे आजकल तो पार्थिनोकार्पिक वैरायटीज आ गई हैं, आपको पता ही है मार्केट में ऐसी वैरायटीज आ गई हैं जिसमें मेल प्लांट की जरूरत ही नहीं है, फीमेल प्लांट जो है वही खुद ब खुद ही फ्रूट बना देती है. लेकिन फिर भी अगर आप एक ब्रीडिंग प्रोग्राम रन कर रहे हैं और उसमें आपने ये काम करना है, क्रॉसिंग करवानी जरूरी है, तो फिर आपको आर्टिफिशियली उसमें हनी बीज डालनी पड़ेंगी. बकायदा खुद से एक वो हनी बीज का जो वो होता है ना, वो एंटोमोलॉजिस्ट एक बनाते हैं, वो उसका सेरिकल्चर आपने पढ़ा होगा, जिसमें वो कह लें कि वो हनी बीज को करते हैं, रेज करते हैं एक वुडन बॉक्स के अंदर, वो वुडन बॉक्स जो है वो टनल के अंदर रख देते हैं ताकि हनी बीज जो है इसकी क्रॉसिंग करें. एंड लास्ट वन इज कॉल्ड शेड हाउस. शेड हाउस को लैथ हाउस भी बोलते हैं. शेड हाउस और लैथ हाउस आर स्ट्रक्चर्स विद सेमी शेड conditions provided by screens, shading nets and wooden lamps. तो कहता है ये जस्ट इसका मेन मकसद क्या है कि शेड प्रोवाइड करना. शेड रिड्यूसेस टेम्परेचर, कहता है इससे क्या होता है टेम्परेचर कम होता है, विच इन टर्न रिड्यूसेस वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन एंड वेपर ट्रांसपिरेशन. और उसकी वजह से पौधा जो है वो ज्यादा पानी जाया नहीं करता और कम पानी में भी वो अच्छा रह लेता है, ज्यादा गर्मी पैदा नहीं होती अंदर. शेड लविंग प्लांट्स लाइक क्राइसेंथीमम, ये जितने भी पौधों के नाम लिखे हैं, फोलियज प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड एंड मेंटेन्ड इन लैथ हाउस. आमतौर पे ये जो नर्सरी लेवल पर होता है ना, ये आप देखते हैं अक्सर ग्रीन शीट डाली होती है, ग्रीन शीट डाली है और उसके नीचे पौधे रखे हैं. ऑल दीज थिंग्स आर शेड हाउसेस, इनको लैथ हाउस भी आप बोल सकते हैं. और लैथ हाउस में आप ग्रीन शीट डाल लें, आप चाहे ऊपर को पत्ते डाल लें, आप चाहे तो कोई बैम्बू स्टिक से क्रिएट कर लें. मकसद सिर्फ ये है कि नीचे पार्शियल शेड और पार्शियल लाइट रहे. शेड हाउसेज आर ऑल्सो यूज फॉर हार्डनिंग प्लांट एंड फॉर ट्रांसप्लांटिंग. ये भी कहता है कि आमतौर पे डायरेक्ट फील्ड में लगाने से पहले अगर किसी पौधे को आपने लेबोरेटरी से निकाला है तो पहले उसको शेड हाउस में लगाएं, उसके बाद उसको फील्ड में लेकर आएं, तो वो फिर ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा. एंड दिस वाज ऑल अबाउट अवर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स. और मेरे ख्याल में मैंने सारे आपको बता दिए. हमने 5 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, कोल्ड फ्रेम्स, हॉट बेड्स, ग्लास हाउस, प्लास्टिक टनल्स एंड अवर लैथ हाउस. तो मेरा ख्याल है कि ये सारी क्लियर हो गई हैं. अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर.